निश्चय के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर जोर दे रहे हैं। निश्चय और पढ़ाई का कॉम्बिनेशन है ना? जितना पढ़ते जाएंगे उतना निश्चय बैठता जाएगा, और जितना निश्चय अच्छा होता है तो पढ़ाई में मन लगता रहता है। निश्चय होता है तो अनुभव होता है, और जब अनुभव होता है तो और मन लगता है पढ़ाई में। तो इसलिए क्या करे, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? पढ़ाई। जीवन, लौकिक जीवन का भी फाउंडेशन क्या है? पढ़ाई। इवन स्टेटस भी क्या है? पढ़ाई। भाई इतना पढ़ा लिखा है, अगर एक रिश्ता भी देखते तो क्या, चलो बाकी ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा हो तो नंबर वन। पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट है, तो ज्ञानी जीवन में भी पढ़ाई, मुरली सुनना, 1 घंटे की पढ़ाई। और ये वो तो चलो फिर भी रिफ्रेश करती नहीं करती भी है, बोरिंग भी होती है। बाबा की मुरली कितनी इम्पोर्टेंट, मतलब रिफ्रेश कर देती है। और हमारे मन की बात है, वहां तो अगर हमको हिस्ट्री में नहीं भी इंटरेस्ट है तो भी पढ़ना पड़ता है, यहाँ तो हमारे मन के संकल्पों की बात है ना, तो ऑटोमेटिक ही इंटरेस्ट होता ही है। सब यही कहते हैं ना कि आज मेरे मन की बात कही, तो मन की बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा मन वही कह रहा होता है। तो इसलिए पढ़ाई मिस नहीं करनी है। 20-60 मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। अच्छा प्रश्न है, फोकस। कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस न करे। अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर के रूप में पढ़ा रहे, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा कहते हैं अगर ये निश्चय हो कि इस पढ़ाई से ही विश्व की बादशाही मिलती है और उच्च स्टेटस भी मिलेगा, इक्कीस जन्मों का वर्षा, तो अगर ये निश्चय है तो वो आत्मा पढ़ाई कैसे करेगी, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा फिक्स्ड है, कंफर्म है। अच्छा, निश्चय न बाप साथ भी ले जाएंगे तो पढ़ाई कभी मिस न करें। निश्चय न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते हैं। निश्चय नहीं है ना, सोचते हैं क्लासेस सुन ली ना, जैसे दुनिया में हम किसी से मिलते हैं ना तो यही कहते हैं, हाँ हम शिवानी बहन को रोज सुनते हैं, आपका हम कभी मिस नहीं करते, पीस ऑफ माइंड रोज देखते हैं, इसको पढ़ाई कहेंगे? बाबा ये कह रहे हैं, गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी है। पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है, ये रात दिन का फर्क देखने में आता होगा। कुछ सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आश दिल में नहीं रहती है, बस सत्संग में जाकर 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहां तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी है, किसके सामने बैठी है,
और उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं। किसके किसके सामने बैठी है ये बहुत मैटर करता है अपने सारे जेस्टर्स का। अगर हमको वो कौन सा है सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के बीच में वहां सामने बैठना पड़े प्रेसिडेंट के सामने, कपड़े कैसे होंगे, टिप टॉप अलर्टनेस कैसी होगी, झुटका लेंगे, किसके सामने बैठे हैं ये बहुत मैटर करता है। तो अभी सभी किसके सामने बैठे हो, ऑनलाइन है तो किसके सामने बैठे, क्या कहेंगे, बाबा के सामने, बाबा के सामने, तो कैसे बैठना चाहिए, ड्रेस कोड, वाइट ड्रेस, किसी किसी के कलर भी हो रहे हैं तो वो हमें ध्यान रखना है, जो ड्रेस कोड है वो ही पहनना होता है ना, तो ड्रेस कैसा कलर होना चाहिए, अलर्टनेस कैसी होनी चाहिए, वीडियो ऑफ ऑन होना चाहिए, ऑन भगवान के सामने बैठे और भगवान वैसे भी देखता है, वीडियो ऑफ है तो भी देख रहा है, तो कैसे बैठना चाहिए। भगवान बाबा को बोलना ही नहीं पड़े कि वीडियो ऑफ ऑन करो, ये है ना पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं कि जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आश दिल में नहीं होती। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप के सामने बैठी है, और उनसे हम स्वर का वर्षा ले थोड़ा सा ज्ञान और योग सीख रहे हैं। थोड़ा नीचे जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई न कोई इम्तिहान पास कर ये पद पाएंगे, ये ख्याल आत्मा को आता है ना, अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे ये आता है ना। सत्संग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, यहाँ की क्या प्राप्ति होगी करके कोई की आश होगी तो भी वह भी अल्पकाल के लिए, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। मनोकामना और एम ऑब्जेक्ट में फर्क है, हाँ? क्या फर्क है मनोकामना और एम ऑब्जेक्ट में, मनोकामना तो इच्छा हो, से तो इच्छा हो गई कि मन की इच्छा, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या तुम्हारा क्या बोलते हैं टारगेट क्या है, क्या है। मनोकामनाएं हमारे टेम्पररी होती, कभी कभी हम ये भी सोचते हैं ना एम ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसको एक दृढ़ इच्छा भी समझ लेते हैं, जैसे सपोज मुझे डॉक्टर बनना है तो उसको हम अपना एम ऑब्जेक्ट भी मान लेते हैं ना कि डॉक्टर बनना है, और वो इच्छा बाबा को बाबा के सामने रखी। तो एम ऑब्जेक्ट मतलब ये रूहानी पढ़ाई का, जो बाप जो स्वयं की उन्नति के लिए सेल्फ प्रोग्रेस, और मनोकामना है वो स्थूल, हम सोचते मनोकामना अपने संकल्पों से जो एक विजन बनाया है कि अगर मैं ऐसा हो जाएगा ना मेरे साथ तो फिर ये होगा, हमें ये नहीं पता कि अगर सपोज प्रमोशन हो गई क्या पता वो बॉस ऐसा निकल आए कि मन को इतना अशांत कर दे तो प्रमोशन की शांति, प्रमोशन का सुख भी नहीं। तो मेरा एम था प्रमोशन होना, तो मनोकामना प्रेजेंट को ही देखती है, लेकिन एम ऑब्जेक्ट सेल्फ के प्रोग्रेस को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं करके कोई भी आश होगी तो भी वह अल्पकाल के लिए, साधु संतों में से मांगेंगे कि कृपा करो आशीर्वाद करो, ये भक्ति व सत्संग आदि करते यहाँ तक आकर पहुंचे हैं। अभी हम बाप के सामने बैठे, एक ही आश है
एक ही आश रह गई है, आत्मा को बाप से वर्षा लेने की। ये आश जब आ जाए ना, कि बस ये एक आश है कि बाप से कंप्लीट वर्षा स्टार्टिंग में आने जितने लायक बन जाए, ये है एम ऑब्जेक्ट। उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात ही नहीं रहती, स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती, वो तो टीचर है पढ़ाने वाला। वर्षे की आश इस समय तुम बच्चे लगाकर बैठे हो, बरोबर बाप परम धाम से आया हुआ है हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने। ये बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा ना, फिर भी समझते बाप के सम्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारना सीखते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहां ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं बाबा समझा रहे हैं, और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे। ये क्लियर है सबको, भगवान समझा रहे हैं। किसको? एकदम क्लियर शरद भाई, परमात्मा के महावाक्य है ये, क्लियर है? तो किसके वर्ड्स है, नशा भी रहता है उसकी वैल्यू भी होती है कि किसके वर्ड्स सुन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं और सत्संग और कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर आते ही जाते ही रहते हैं। यहाँ है एक बार की बात, भक्ति मार्ग में जो कुछ करते वह अब पूरा होता है, उनमें कोई सारी नहीं है, तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, कितने बार फोकस किया है बाबा ने आज, बाबा की बुद्धि में याद आएगा और अपनी गवाई हुई राजधानी याद आ जाएगी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे और बाबा को याद करेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, तो उतना उच्च पद पाएंगे। दूसरे को भी धारणा कराने में मदद करें तो उच्च पद पाएंगे। कोई थोड़ा गिर जाता है, हम भी चल रहे, वो भी चल रहा है, वो गिर गया, हम क्या करते हैं? भाई हेल्प कर देते हैं ना उसको उठाने में। तो औरों को ज्ञान की धारणा कराने में मदद करो। ये तो हरेक की बुद्धि में है, बाप इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, इनको दादा ही कहेंगे। श्री बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे। तुम जानते हो पहले ये बातें तुम हमारी बुद्धि में नहीं थी, हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु ख्याल में भी नहीं था। सत्संग सुनना है लेकिन पढ़ाई की मतलब पढ़नी है। सत्संग और पढ़ाई में डिफरेंस तो बहुत हम सब जानते ही है, तो वो पूरा समय इम्प्लीमेंट करना है। पढ़ाई मतलब क्या? प्रैक्टिकल, उससे आपकी डिग्री मिलती है, उससे आपको जॉब मिलेगी, उसकी आपसे लाइफ बनेगी। तो बाबा कहते ये पढ़ाई है, इसलिए पूरे दिन ये प्रैक्टिकल है, कितना हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। तो तुम भी पहले जानते थे ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं था, हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु ख्याल में भी नहीं था कि परमपिता परमात्मा द्वारा ब्रह्मा द्वारा आकर कब पढ़ाते हैं। अच्छा, अभी बाप को और समय को जान गए हो, नई दुनिया स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है, अंदर में खुशी रहती है कि बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं कितने बार हो गया आज बाबा ने एक पेज में, हाँ पांचवी छठी बार हो रहा है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे,
पतित पावन है, टीचर के रूप में बैठ के पढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर किसी क्लास में रो वंस इन अ वीक ही आ जाता हो टीचर बन के, क्या हो जाएगा उस समय? हाँ वो आते थे टीचर्स डे के दिन जाते थे। अच्छा इंटरनेट के थ्रू। यूथ के लिए। हाँ जबकि ऑनलाइन था। तो बेहद का बाप जिसको भगवान कहते वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो, अंदर में समझ है कि हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापस जाती है। ये क्लियर है अंदर में कि 84 जन्मों का पाठ पूरा करके वापस जाती है। अब देखो मैं कल से संकल्प चल रहा था कि मुझ आत्मा में पूरा सत्यों का पाठ भरा हुआ है, त्रेता का पाठ पूरा भरा हुआ है, मतलब स्वर्ग का पाठ मेरा कितना भरा हुआ है। तो केवल मुझे बार बार याद करने की जरूरत है ना, जो पाठ भरा है वो ही मेरा भविष्य है। तो हर पाठ भरा हुआ है, हर आत्मा में जो जो पाठ भरा है वो तो है ही, रिकॉर्डेड है। किसी को पहले से पता होता है तो कहते बड़ा महान है, इंट्यूटिव पावर है। नहीं पहले से पता होता है तो ठीक है, बाकी सबकी तरह। तो ये नशा कि मेरे अंदर वो पूरा श्री कृष्ण के साथ वाला पाठ है, जो भी सत्युग का पाठ है, तो ये नशा भी कितना हेल्प कर देती है अपनी स्थिति को बियॉन्ड ले जाने में। नहीं तो हद की स्थिति हो जाती है ना बहुत। तो ये बेहद की स्थिति। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में रहता है, हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये राज्यों की शिक्षा दे स्वयं का महाराजा महारानी बनाने वाला, स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाला बाप के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बोलो भाई है कोई डिग्री जो इतना सुपर राज्य कराना सिखाए? तो बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, तभी तो वो भगवान है क्योंकि एक ही बार आता है। कोई को बार बार आना पड़े उसको ठीक करने के लिए, मतलब वो इतना एफिशिएंट नहीं है ना। एक ही बार आकर पूरा स्वर्ग बना देता है, कितना एफिशिएंट है वो, नहीं? तो हर युगे युगे आने की जरूरत है, 24 बार भगवान को आने की जरूरत है, फिर भी वापस खराब, द्वापर में आया फिर कलयुग आ गया। एक ही बार आना पड़ता है बस उसको। क्या क्या लॉजिकल लगता है, 24, 10, 4 या एक बार आना परमात्मा का? क्या फिर उन्होंने कहा, किसी ने कहा देखो बुद्धि कैसे चलाते, बोला यदा यदा है ना, जब जब धर्म की ग्लानी होती है, तो पूरे युगों में कितनी बार धर्म की ग्लानी होती रही है, द्वापर में भी कितनी बार हुई है, कलयुग में भी हुई है। इसलिए जब जब ये धर्म की ग्लानी हुई है ना द्वापर से, तब तब उसको आना पड़ता है। या मतलब उनके हिसाब से तो सत्युग में भी है, तो फिर तो क्या फायदा, उसने धर्म की ग्लानी हुई, आया ठीक किया वापस खराब हो गया, ठीक किया वापस खराब हो गया। तो एफिशिएंट मैनेज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हुआ ना फिर तो वो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, एक ही बार आकर पढ़ाता हूं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। फिर हमने कहा कि उसने, तो हमने कहा क्योंकि आया था ना, उन्होंने खाली आकर काम किया, पढ़ाया नहीं। पढ़ाता तो जो आगे चलाने वाले अच्छे चलाते तो कुछ हो जाता। तो
तो उसने भी अधूरा काम किया आपके, तो इसलिए फिर वो वापस वापस उसको आना पड़ा। एक होता है ना, ट्रेन कर दो आप टीम को तो वो आगे करती रहती है। तो बाबा भगवान क्या करता है, ये करता है, वो इतना अधूरा काम नहीं करेगा, ट्रेन कर देता है टीम को कि इतना एफिशिएंटली कि वो मैनेज करते रहते। ये है भगवान। ठीक है, ठीक लगता है राजू बहन? कि एफिशिएंटली ट्रीट, ठीक कर दिया। तो बाबा क्या कहते हैं, पढ़ाई के समय, पढ़ने के, खेलने के समय, मनुष्य के ख्यालात तो कहाँ ना कहाँ चलते ही रहते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के ख्यालात चलते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के सन्मुख बैठे, आगे नहीं जानते थे, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि भगवान आकर राजयोग सिखलाते। अभी तुम बच्चों ने समझा है, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, यह ज्ञान सिवाय बाप के सिवाय कोई दे न सके। जब तक बाप ना आए, विश्व के मालिक पने का वर्षा मिले कैसे? न किसकी बुद्धि में आता है, मैं यह आता है, कंसेप्ट ही चेंज है ना। यहाँ ज्ञान है विश्व का मालिक बनाने के लिए पूरा, तो और ये वाला दुनिया में तो है ही नहीं, वो सोचते कि खाली मोक्ष हो जाए। तो क्या है ये ज्ञान? दुनिया का ज्ञान है छूटने का, हमारा ज्ञान है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, ये ज्ञान है ना हमारा। तो ब्रह्मा कुमारी इस घर बार कैसे छुड़ाएगी? वो छुड़ाएंगे घर बार, क्योंकि वो छूटने का ज्ञान देते हैं, भागो छोड़ो मतलब मोक्ष है। और यहां हम कहते हैं और ही मालिक बनो, बड़ी बड़ी पोस्ट लो। तो बाबा कहते हैं विश्व तो किसकी बुद्धि में ही नहीं आता है, हम भगवान के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं है, नरक में दुखी क्यों है? अब ये भी एक अच्छी बात है, परमात्मा के बच्चे हैं और ये हालत मुझ आत्मा की, इतना डिस्टर्बेंस, इतना नफरत, और कहते परमात्मा के बच्चे तो ऐसा क्यों है? तो मतलब कुछ गड़बड़ है ना, या तो परमात्मा के बच्चे नहीं है, या कुछ, या तो उनकी पालना में प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता है कि हम दुखी क्यों हैं। अच्छा, बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? कितना भी खराब बच्चा हो, पेरेंट देता है। अगर सपोज ऐसे कोई कर लेते हैं ना आजकल सुसाइड खुद भी, और तो कितना वो डिप्रेशन में चले जाते, कई ऐसे केसेस होते हैं, मतलब आउट ऑफ को जो भी एंगर वेंगर कर भी लिया फिर भी। तो बाबा कहते बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप सृष्टि रचते बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए? ये तो हो ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, भल कहां भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो यह है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान बाप है, हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है। क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता है। देखो बाबा क्या कहते हैं, आज फायदा हुआ ना क्लास में जाए, क्लास में जाने वाले को हाँ याद पड़ता है, बाकी जो क्लास में नहीं आते ऑनलाइन ही क्लास करे, मतलब नजदीक है सेंटर है और न जाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्लास में नहीं आते तो वह, क्योंकि प्रैक्टिकल आने से क्या फायदा होता है बताओ? दीक्षा बन पहले ऑनलाइन करते थे, अब प्रैक्टिकल आ रहे हो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली, डिस्ट्रैक्शंस हैं। फोकस मुरली पर होता है कंप्लीटली। वहां फोकस कभी कभी बाहर बका भी हो जाता है। तो बाबा इसलिए कहते, तो
क्लास, बाकी जो क्लास में नहीं आते तो पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते? कोई मजबूरी है, चलो वो ठीक अलग बात है, लेकिन नॉट अगर जो नजदीक रहते हैं, अगर हम वो उसी बहन को ऑनलाइन ही सुन रहे हैं तो सेंटर पे आ जाओ ना। चलो भाई दूर रहने वाले, कैलकटा है वो सब दूर है, तो वो नहीं नहीं आ पाएंगे। वो तो यहाँ आते तो वो भी आते हैं, पर जो नजदीक रहने वाले हैं, हम दो कदम दूरी पर वही मुरली सुन रहे हैं, तो दो कदम अंदर सेंटर पे आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्लास में बाबा क्या कह रहे हैं, जो रोज बाकी जो क्लास में नहीं आते तो वह पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते? यह नई बात है ना, जिसको तुम ही जानते हो। कॉन्सेंट्रेशन पूरा रहता है। जो मीटिंग्स हम करते हैं, हमने देखा कि ऑनलाइन मीटिंग कई बार आशा दीदी बुलाते हैं ऑनलाइन मीटिंग, और कोई एक वेन्यू में जब मीटिंग होती थी उसमें पूरा एक जैसे टाइम निकाल के और पार्टिसिपेशन होता है, याद भी नहीं होता है कुछ मीटिंग्स के कुछ पॉइंट्स है, क्योंकि जब मर्जी ऑफ कर दिया और दूसरा काम किया, फोन अटेंड कर लिया और फिर ऑन कर दिया। मीटिंग्स के लिए तो फिर भी ठीक है, बट क्लास के लिए ये वाला कि ऑफ कर लिया और काम कर लिया फिर ऑन कर लिया, ये ठीक नहीं है। तो बाबा कहते ये नई बातें हैं जिसको तुम ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वो बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते। जब से माया का प्रवेश हुआ है हम कौड़ी जैसा बनते आए हैं, कलाई कम होती गई है, माया ऐसे खाती आई है ऐसे खा लिया है माया ने, जो कैसे खा लिया हा? जो हमको कुछ भी पता नहीं पड़ा। अभी बाप ने आकर बच्चों को जगाया है अज्ञान नींद से, वो नींद नहीं अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते और कोई दे नहीं सकते, एक ही हमारा बिलवड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर पति पावन दे सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं, पुकारते भी है हे पतित पावन बाबाओ, परंतु समझते ही नहीं है कि कैसे आकर पावन बनाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहते रहने से तो पावन नहीं बन सकेंगे ना, देखो कितनी अच्छी बात है कल पुकारा ना, सारा समय भजन गाए रात को, आओ आओ या आया आया गोकुल आया, तो अब पुकारने से ही तो काम नहीं हो। चलो पुकारने के बाद आ गया, फिर क्या हुआ? आपने बहुत बुलाया, मैं आ गई और मैंने एक बार आप मतलब एक लेक्चर कर लिया, फिर हो गया पावन बन गए, पतित पावन आ गया। एक बार आके लेक्चर तो काम आ, तो दर्शन देंगे, दर्शन दे दिया उसके बाद, हाँ उनकी बहुत डिवाइन प्रेजेंस है, उससे और पावरफुल होता है। पर थोड़े दिनों तक भी रहता है चलो, पर हाँ जी उसके बाद तो चेंज नहीं होता है ना। हाँ तो बाबा क्या कहते हैं हाँ तो फिर काम हो जाएगा। फिर क्लास में भी उसके शब्द हमको हेल्प करते हैं, क्लास भी वो कराए तो काम आएगा मनुष्य के कराने से क्लास का भी इम्पोर्टेंस नहीं। तो ये है पतित पावन बाप आकर, परंतु समझते नहीं कि कैसे आकर पावन बनाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहते रहने से तो पावन नहीं बन सके बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं वह कर्तव्य भी ऐसा करेंगे। ये बेहद का बाप बैठ समझाते, तुम यहाँ सन्मुख बैठकर सुनते हो तो तुम्हारा बुद्धि का योग बाप के साथ रहता है। फिर कुसंग तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते रहते हैं, मिलते करते हैं, वातावरण सुनते हैं, तो जो सन्मुख की अवस्था रहती है, सुनो सन्मुख सुनना, तो कुसंग तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते रहते हैं, तो जो सन्मुख की अवस्था रहती है वह अवस्था बदल जाती है। अभी कितनी सतो प्रधान स्टेज है,
केवल बाबा बाबा का एनर्जी ये है। फिर जैसे ही गए इधर उधर, स्वयं ज्ञान का, यहाँ तो सन्मुख बैठे, सामने भगवान के सामने बैठे, इतना नशा होना चाहिए। तो स्वयं ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुना, ज्ञान बाण मारते, इसलिए मधुबन की महिमा है। गाते भी है ना, मधुबन में मुरली बाजे, मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है लेकिन मधुबन सन्मुख। 18 जनवरी है इस बार दिल्ली का टर्न, सबको याद है। हाँ तो बाबा कहते हैं, परंतु यहाँ सन्मुख बैठकर समझाते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। हाँ, लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर डराए, इस पढ़ाई से ही छुड़ा देंगे। संग तारे कुसंग बोरे, सुनना एक्चुअली जो भी हम बातें सुनते हैं ना, उतनी रियलिटी होती नहीं है। कभी भी किसी की बातें सुनकर किसी के लिए इम्प्रेशन बनाना, क्योंकि वो जो सुना रहा है वो अपना पूरा, हाँ, कुछ भी वर्णन करके अपना पूरा ऐड करके मुझे सुनाता है, और हम उस मेंटालिटी से जिसके बारे में सुनाया जा रहा है, कभी भी दोनों बातों, दोनों की बातें सुना, अगर किसका सुना भी रहे ना, दोनों की बातें सुना, तो जजमेंट राइट है। जज मतलब ही क्या, अगर मैं जजमेंट ले रही हूं कि तुम ऐसे हो, तो ये बहुत बड़ा विक्रम हो रहा है। एक तो सुनते ऐसे है, ऊपर से वैसे इंप्रेशन बना लेते हैं, और फिर कभी कभी वैसे बोल भी देते हो सामने वाले को। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सत संग तारे, यहाँ है सत बाप का संग। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो कि हम एक से ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। तुम सबका बाप टीचर सदगुरु वो तो एक ही है। वहां तो वो गुरु लोग सिर्फ शास्त्री सुनाते रहते, नई बात होती नहीं, ना बाप का परिचय दे सकते, ना ज्ञान की बातें सुन जानते। सब नीति नीति कहते आए, नीति नीति न इति न इति, इतना ही नहीं, हम रचता और रचना को नहीं जानते। जब बाप आते हैं तभी समझाते हैं। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार है, कोई के तो लाखों फॉलोअर्स है। तुम समझते हो हमारा सदगुरु तो एक ही है, मरने आदि की तो बात ही नहीं। ये शरीर तो शिव बाबा का है ही नहीं, वो तो अशरीरी अमर है। कौन सा शरीर शिव बाबा का नहीं, ये शरीर तो शिव बाबा का है ही नहीं। किसके लिए बाबा कह रहे बात, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के लिए। जब बाप आते तभी समझाते हैं। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबर वार है, अमरपुरी में ले जाते हैं, सॉरी वह तो अशरीरी अमर है, हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुनाए, अमर बना रहे हैं, अमरपुरी में ले जाते हैं। सत्युग है या अभी अभी भी अमरपुरी की स्थिति है? अमरपुरी की फीलिंग्स के लिए क्या चाहिए होगा था? नष्ट मोहा शरीर से, स्टेज दूसरा, जो सामने आत्माओं से नष्ट मोहा, और जो हमने टारगेट्स रखे हुए थे, ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो टारगेट से नष्ट मोहा, और तीसरा वस्तुओं से नष्ट हुआ, फोर्थ रेडीनेस है। फिर अमरपुरी की स्टेज अभी है, नहीं हो सकता है। इसलिए ये अभ्यास भी ट्राई कर सकते हैं हम बार बार, मैं आत्मा गई, शरीर से निकली, शरीर यूजलेस हो गया। दूसरा है ना कॉस्ट्यूम, रेडी है मेरा, प्रवेश किया, 84 बार किया है ऐसे, एक दो बार नहीं, 84 लेक्चर्स किया है, उसके बाद उसका 85th लेक्चर कैसा होगा? ठीक है, किया कि नहीं किया, कितने बार किया है? हाँ, कितने बार किया है सभी ने? उर्मिला बेन क्या बोल, हाँ कितने बार किया है? होगा, ये भी
कॉस्ट्यूम चेंज होगा, नष्ट मोह। ये प्रैक्टिस भी ट्राई कर सकते बार बार पूरे दिन में, नष्ट मोह स्टेज क्यों कर सकते हैं। और फिर जितना पार्ट है उसके बाद तो वो क्या बोलते, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना, गाते रहते हैं ना, तो जितना पार्ट है उस आत्मा में उतना ही तो पार्ट हो जाएगी ना वो वैसे भी। तो अभी से अगर मेरे सामने जो आत्मा आ रही है, क्लियर हो, उसका पार्ट जितना है और जैसा है वैसे ही बजा रही है, तो बस क्या हो जाएगा, इजी है नष्ट मोह स्टेज। स्माइल कर रहे हैं रुमन बहन, वीणा बहन, हाँ इजी है, नहीं है डिफिकल्ट है, बॉम्बे, अच्छा ट्राई करो। अभी इतनी अनसर्टनिटीज हो रही है ना हमें ये, हाँ फेल हो सकते हैं ऐसा नहीं है, पर एटलीस्ट वो इंटेंसिटी जो जिस वे से हम गिरेंगे ना उतना कम होगा, क्योंकि पहले ही इस लेवल पे थे, ऊपर के लेवल पे होते ना तो ज्यादा चोट लगती है। तो ये है, बाबा को समर्पित किया कल का था ना, वैसे तो बाबा का रोज का ही है और ये पुरुषार्थ है, लेकिन कल संदेश है सब बाबा को देते जाओ। तो बाबा कहते हैं कुसंग तारे संग बोरे, एक का ही फरमान मानेंगे, तुम सबका बाप टीचर सदगुरु तो वो एक ही है, वहां तो वो गुरु लोग सिर्फ शास्त्री सुनाते रहते, नई बातें कोई है नहीं, मरने आदि की तो बात ही नहीं है, अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा ही शरीर छोड़कर जाएगी बाप के पास, हमारी पढ़ाई का पद, हाँ फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना उस अनुसार पद पाएंगे। परमात्मा कहते मैं इस चक्र में नहीं आता हूं, मुझ में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, यह तुम जानते हो कि पति पावन बेहद का बाप है, तो वह बेहद कोई पावन करने वाला होगा ना, कोई मनुष्य बेहद का बाप हो न सके, वह बेहद का बाप एक ही है, तुम जानते हो आत्मा वहां की रहने वाली है, मिले आज गए परमधाम, मिल के आए परमधाम में, बाबा को मिल के आए, सभी मिल के आए परमधाम में, क्या दमयंती बहन हाँ नहीं कर रही है, परम धाम में मिल, बाद में इधर बुलाओ, अमृत फैला इधर बाबा को बाद में बुलाओ, पहले परम धाम में, ऐसे नहीं कि इधर ही मैं बाबा से बात करती रहती हूँ, इधर ही हूँ स्थूल कॉन्शियसनेस में, नहीं, बहुत पावरफुल है, कभी करना चाहिए एक बार सेंटर पर अमृत फैला, कोई दिन प्लान करे, एग्जैक्ट फर्स्ट क्लास योग लगे। करे आजकल रोज दीदी मधुबन से आता है, कभी सूरज भाई जी, कभी शीलू दीदी, आज श्रीकांत भाई का था, कल अदिति बहन का था, बहुत अच्छा, अलग अलग तरीके से वो लोग कराते हैं। वो तो ठीक है, देखो एनर्जी है ना, सेंटर का वातावरण है, वैसे तो हम रोज करे वो तो करना करते ही है, वैसे ही करना होता है, कभी कभी एक वातावरण मुश्किल है, हाँ हाँ वो भी है, वो भी है, थोड़ा हेल्प चाहिए होता है, बाद में फिर अपना होता है। तो बाबा कहते हैं हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई है, इस समय हाँ वहां से फिर शरीर में आते, पहले पहले कौन आया पार्ट बजाने, ये तुम समझते हो, हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई है पार्ट बजाने, इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने पार्ट अनुसार आते, इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है, ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बेहद ड्रामा के एक्टर है, न बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, न अपने जन्मों को जानते, बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार, ये कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं, बाबा हमको सत्य बात सुना रहे, और कोई मनुष्य मात्र ये ज्ञान दे नहीं सकते, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है, अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आए, फिर ज्ञान सोजरे में कैसे जाना है, यह भी नंबरवार समझ सकते हैं, घोर अंधियारा और घोर सोजरा किसको कहा जाता है, ये अक्षर बेहद से लगता है, आधा कल्प रात
आधा कल्प दिन, वह समझो सांझ और सवेरा, यह बेहद की बात है। बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे तो अल्पकाल का सुख मिलता है, जैसे कल का इवेंट हुआ, ठीक है, अल्पकाल का सुख मिलता है। बाप कहते मैं इनसे नहीं मिलता हूं। क्या क्यों? अब जैसे कल इवेंट जो लौकिक में करते, वो तो क्या करते, आया था कभी गोकुल, आया था, ऐसी लीला हुई थी। अभी से वो फीलिंग है, इसलिए मुझे वो कल से कि मेरा वो सत्यों का पार्ट रिकॉर्डेड है ना पूरा, 1250 साल हम रहे, पूरा रिकॉर्डेड पार्ट है, तो हम वो तो कितनी क्लियर है, आने वाला भी और अभी भी साथ में। अब तो वतन में श्री कृष्ण से ही तो मिल रहे नहीं मिल रहे, बाबा भी तो रेडी है ना, बाबा कह रहे हैं, कल संदेश भी था, तो बाबा कहते हैं, तो वो अल्पकाल का सुख मिलता है। बाप कहते मैं इनसे नहीं मिलता हूं, जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं, यह भी समझते हो, सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते, मालिक वह बनते हैं, विश्व का मालिक वह बनते हैं, कौन बनते हैं बोलो, गुलाब भाई बने वो तो अमृत वेला जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं। अच्छा, जिन्हों को बाप पढ़ाते हैं, भगवान जिन्हों को, हाँ जो विश्व के मालिक से पढ़ते हैं, हाँ विश्व के मालिक से पढ़ते हैं, वो भी राइट, वही राजयोग सीख रहे हैं, भाई ट्रेनिंग दे रहे हैं ना वो, ये जैसे वो होता है ना कि भाई उस कंपनी का मालिक जो आउट ऑफ द कंपनी कभी ट्रेन ही नहीं हुए हैं, उसको कैसे आकर उस कंपनी का मालिक बना दे, तो वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया राजयोग नहीं सीखती, कोटों में कोई पढ़ते, कई तो 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सीखते हैं फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है, फारकती दे देते हैं, कहावत है ना, आश्चर्यवत बाप का बनंती कथंती फिर फारकती देवंती। बाप कहते उनका भी दोष नहीं है, ये माया तूफान में ले आती है, ऐसी सजनिया जिनको श्रृंगार कर स्वर की महारानी बनाते वो भी छोड़ देती है, सुना, ऐसी सजनिया बाबा कहते वो भी छोड़ देती है श्रृंगार करा के। फिर भी बाप कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद करना है, याद कोई फट से ठहरेगी नहीं, आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बड़ा मुश्किल है, सत्युग में तुम आत्माभिमानी बनते हो परंतु परमात्मा को नहीं जानते हो, परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता है, यहाँ तुम देह अभिमानी आधा कल्प बन जाते हो, यह भी नहीं समझते हो आत्माओं को यह शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाना है, फिर रोने की दरकार ही नहीं। जब बाप द्वारा सुखधाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों ना पूरा अटेंशन दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते, शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा सुख नाम का वर्षा मिल रहा है पूरा भगवान से, किसी से 100 करोड़ का बड़ा डील होने वाली है, क्या हो जाता है वो रात को नींद ही नहीं आए कि इतना सुखदाम का वर्षा मिल रहा है, तो क्यों ना पूरा अटेंशन दे धारणा के लिए। सारे एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है, बाप की उल्टी बातें सुन, मनुष्य की उल्टी बातें सुन
उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा संग नहीं करना है। सुनो, एज फार एज ये पता है कि ठीक है, अगर कोई इस तरह की बातें है, थोड़ा सा भी इंप्रेशन हुआ, क्रोध हुआ तो गया, फिर प्रभाव में आए। दूसरा है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे बोलो क्या कर, क्लास में जरूर आना, एग्जैक्ट है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है, ठीक है। अब कल संडे है, जो भी नजदीक रहने वाले देखे, भगवान पढ़ा रहा है मगर मुझे कदर होगी ना, तो जरूर आएंगे, कल आएंगे। वरदान है, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले, सदा साक्षी दृष्टा भव। साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीच को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं, कोई आत्मा को आधार बना लेते और कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता है और टालटालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ, साधनों का सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ, सिर्फ निमित्त मात्र। मोहिनी बहन को पूछा कि भाई यूक्रेन की बहनों ने मतलब वहां की इंटरव्यू हो रही थी, तो बोला कि कहां कहां थोड़ा भय या कुछ ऐसे डर लग जाता है तब क्या करना चाहिए, तो यही बताया कि सोल कॉन्शियसनेस, और केवल बाप का सहारा होगा ना तो कभी भी न डर लगेगा न, और सेफ रहेंगे। सेफ रहने का साधन ही है उस समय मुझे बाप की याद रहे। कैसे मेधाबेन? उस समय बाप की याद रहे। हाँ, अब ये वो रोज के होमवर्क, इसको कहेंगे रोज का होमवर्क देना। तो मतलब ज्यादातर तो पास हुए, पर वो कहीं कहीं हो जाता है ना। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। एक बहन ने कहा कि ना मुझे ना वो उसको ना जैसे लोगों को कहीं सेंटर पे आती थी, एक सेंटर पे तो किसी को हाथ लगाया किया घुटनों पर, उसकी घुटनों की बीमारी खत्म हो जाती है, इस तरह के कई सिद्धियां हुई होती है। तो फिर पूछा सीनियर्स को कि ये कर, ये मैं कंटिन्यू करूं, मतलब बहुतों की बीमारी ठीक हो रही है, ये हो रही है। और फिर एक स्टेटमेंट कहती है, पर ऐसा और कोई बीकेस को मैंने देखा नहीं कि उनके पास ये पावर है। तो उन्होंने कहा उसे बंद करो ये सब। क्या हो रहा है, ये चलो सिद्धि यूज हो रहा है, साथ साथ अभिमान भी बढ़ता जा रहा है। अभिमान बढ़े ऐसी सेवा सेवा नहीं होती है, और वे एक्चुअली वो सेवा भी नहीं, वो खाली अपना अब शो ऑफ हो जाता है ना, पहले सेवा भाव होता है। तो इसलिए बाबा कहते कि क्या था, रूहानी शान में रहो, ये रूहानी शान नहीं है। ओके, आज का व्यक्ति इशारा, निरंतर अति होलीएस्ट की फीलिंग याद है, निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की अनुभूति का विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है, और अगर पवित्रता नंबर वन है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर वन है। तो पवित्रता और प्राप्ति,
कौन सी प्राप्ति? अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की अनुभूति, ये वाली प्राप्ति। अतीन्द्रिय सुख कौन सा होगा? संकल्प किया और संकल्प में ही वो सुख है। इंद्रियों से बियॉन्ड क्या है? संकल्प, संकल्प का सुख। इंद्रिया फिजिकल है तो इतने संकल्प के सुखों में रमण करते हैं। तो प्योरिटी की महानता,